दिन हो या रात, हर वक्त आपकी खबर आप तक। चलती हुई समय का रफ्तार, आज सुबह टाइम्स टीम की खबर, हर दम हर कदम सटीक बातें, आपकी आवाज तेज गति से चल रही है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण भारत वर्ष में विश्व कैंसर दिवस बड़े है जागरूकता के साथ 5 फरवरी 2024 को हर वर्ष की भांति मनाई जाती। यह विश्व कैंसर दिवस यह जागरूकता का दिवस है और इसे देखते हुए हम भारत सरकार और राज्यों की सरकार भी विशेष गंभीरता से लोगों को जागरूक करती है। यह है विश्व कैंसर दिवस 5 फरवरी 2024 को मनाया जाता है। वहीं पर राष्ट्रीय कैंसर मधुमेह हृदय रोग पक्षाघात बचाव एवं नियंत्रण यानी कि NPCD के अंतर्गत सभी जगह जगह पर भारत के कोने कोने में जो जागरूकता अभियान के साथ लोगों को जागरूक किया जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल और अन्य जगह डॉक्टर भी इसे भी लोगों को जो है जागरूक करते हैं और ये भी कहते हैं कि स्वास्थ्य की कामनाएं आप सभी को होनी चाहिए और कैंसर हम सभी मानव जाति एवं किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम सभी को बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि नशीले पदार्थों से बचना चाहिए। यह सब कैंसर के जो है उत्पन्न करते हैं। यह जन जागरूकता के माध्यम से आम जनता को जागरूक होनी चाहिए। जगह जगह पर जन जागरूकता कार्यक्रम एवं स्क्रीनिंग कैंप की व्यवस्थाएं किया गया है। राष्ट्रीय कैंसर मधुमेह हृदय रोग पक्षाघात एवं बचाव एवं नियंत्रण NPCD कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार एवं विश्व में कैंसर दिवस जो है मनाने के लिए सभी को जागरूक करने के लिए आम जनमानस को जागरूक करते हैं और प्रत्येक मनुष्यों को अपने अपने सेहत के लिए जागरूक रहना चाहिए। यदि कुछ भी होता है तो आपको आशंका लगा तो आप तुरंत जो है हॉस्पिटल पहुंच जाइए और अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। समय समय पर अच्छे डॉक्टर को दिखाने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप हंसते खिलखिलाते रहेंगे, क्योंकि आप घर के जिम्मेदार नागरिक हैं और आपके बगैर आपका घर परिवार बिल्कुल भी नहीं चल सकता। इसलिए अपने सेहत और अपने परिवार की सेहत के बारे में विशेष ख्याल रखनी चाहिए। यह वीडियो आप देख रहे हैं सीधे अयोध्या धाम जहां जिला चिकित्सालय अयोध्या का फुटेज है, जहां पर आपको बता दूं गेट पर लिखा हुआ विश्व कैंसर दिवस 5 जनवरी का है और आज भी लगा हुआ है। लोग आते जाते लोग जो है जो भी पीड़ित हैं जो भी रोगी हैं सभी हॉस्पिटल में आते जाते हैं और रुक कर पढ़ते भी हैं आखिर में क्या लिखा है। वहीं पर यह जागरूकता अभियान के साथ साथ 5 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय विश्व कैंसर दिवस का यह दिन था और राष्ट्रीय कैंसर मधुमेह हृदय और पक्षाघात आदि नियंत्रण करने के लिए या सभी को जागरूक करने का या अपने सेहत के बारे में ख्याल रखने के लिए या ऐसा जागरूकता किया गया है। तो आने वाले हॉस्पिटल के सामने या गुजरने वाले पढ़ने और सभी लोग देखते हैं और लेकिन कितना अपने सेहत के बारे में सोचते हैं और कितनी अपने बारे में और ज़्यादा जागरूक रहते हैं। और वहीं पर यह सब देखते हुए बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशीले पदार्थ नहीं उपयोग करना चाहिए। किसी भी जनमानस को अपने सेहत के प्रति अत्यधिक जागरूक है तो आप बहुत ही लंबे उम्र तक आप चलेंगे, बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, हमेशा जवान बने रहेंगे। यह बहुत ही जागरूक है, हम सभी को सेहत के प्रति बहुत ही जागरूक रहना चाहिए। किसी तरह से लापरवाही अपने सेहत के प्रति नहीं करनी चाहिए। हम सबको अपने परिवार के ख्याल के साथ साथ आसपास में रह रहे दोस्त पड़ोस और पड़ोसी दोस्तों और घर
परिवार, रिश्तेदार आदि किसी भी बीमारी के लिए सहयोग करना चाहिए, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए और अच्छे डॉक्टर को दिखानी चाहिए, जिससे कि आपको पुण्य प्रताप मिल सके। यानी कि सुख दुख में एक दूसरे जनमानस के लोग जो है सहयोगी बनना चाहिए। मानव जीवन ही मानव जीवन की दया दृष्टि और दयालुपन होना चाहिए। जीवन से भरा सबसे बड़ा यही स्वास्थ्य की कामनाएं करता है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त जो है 5 फरवरी 2024 का संपूर्ण भारत भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, पक्षाघात एवं बचाव नियंत्रण के जो है सभी लोगों ने जागरूक हुए और यह जागरूकता विभिन्न हॉस्पिटल में देखा गया। तो आज सुबह टाइम्स आप सभी को सेहतमंद, अच्छे और मुस्कुराते रहने की यही शुभकामनाएं देता है। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।